फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 14 एम। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा न्यूमरेटर होता है और एक हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ वेरिएबल्स मान लेंगे कि वही हमें फाइंड करना है। तो लेट न्यूमरेटर बी एक्स और हमारा जो डिनोमिनेटर भी वाई। तो यहाँ से एक्स वाई हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे। अब फ्रैक्शन इक्वल टू, न्यूमरेटर ऊपर रहता है तो एक्स बाई वाई हो जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हमें तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, 2 को ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो x में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, x प्लस 2 हो गया। और डिनोमिनेटर में भी हमें 2 को ऐड करना है, यानी y प्लस 2 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बिकम 9/11 तो इक्वल टू 9/11 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, इक्वल टू का साइन लगा हो तो यहाँ पे हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो हम यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे और 9 का इसमें कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 ब्रैकेट y प्लस 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 11x 2 का मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 9y। 9 पूजा कितना होता है 18। अब यहाँ से 11x प्लस 9, यहाँ पे प्लस 9y है, इस साइड आएगा तो माइनस 9y। यहाँ से प्लस 18 है और प्लस 22 इस साइड आएगा तो माइनस 22, यानी 11x माइनस 9y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और साइन किसका लगाएंगे, निगेटिव का, क्योंकि निगेटिव वाला टर्म बड़ा है। तो ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, सेकंड कंडीशन तो यहाँ तक तो हो गया डिनोमिनेटर तक। अब यहाँ पे इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम 3 को ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इट बिकम्स 5/6। तो हम क्या करना है, 3 को ऐड करना दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर हमारा एक्स, इसमें 3 को ऐड करेंगे एक्स प्लस 3 और डिनोमिनेटर वाई, उसमें भी 3 को ऐड करना है, इक्वल टू कितना फ्रैक्शन फॉर्म होगा हमारा 5/6। अब फिर से इक्वल टू का साइन, दैट मीन्स हमें यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 और यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5y प्लस 3। 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। यहाँ से 6x माइनस 5y एक साइड कर लेंगे और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है प्लस 15 और प्लस 18 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 3, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि 18 वाला टर्म बड़ा है। इसमें से दोनों में कौन सा बड़ा, 18 बड़ा है और उसके सामने वाला टर्म साइन कौन सा नेगेटिव, से हमने यहाँ पर निगेटिव लगाया है। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब अगर हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मिल गया तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का जो कांस्टेंट है उसको सेम करते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं वाई के वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हम वाई के वेरिएबल को कांस्टेंट करना चाहते हैं, सेम करना चाहते हैं सॉरी, हमें क्या, हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के जो कांस्टेंट टर्म है उसको सेम करते हैं। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे वाई वेरिएबल को ले लेंगे तो हम पहले में क्या मल्टीप्लाई किए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट हम 5 से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड में 9 से कर दें, तो 5 9 = 45 और 5 9 = 45 दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई
मल्टीप्लाई बाई 5 किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एंड बाई 9 किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 55x माइनस 9 5 जो 45y इक्वल टू 4 5 जो 20 माइनस 20, यहाँ पे 9 6 जो कितना होता है 54x माइनस 5 9 जो 45y इक्वल टू 9 3 जो 27 माइनस 27। हमने यहाँ पे इक्वल कर लिया, सेम कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस, तो यानी माइनस 45y प्लस 45y कैंसिल हो गया। हम अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे यक्स आ गया, 1 आ गया, यानी यक्स हो गया इक्वल टू 27 माइनस 20 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, यक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे यक्स मिल गया है तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन यानी फर्स्ट या सेकंड किसी में भी अगर हम यक्स की वैल्यू को 7 रखेंगे तो वहाँ से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इन इक्वेशन नंबर, हम यहाँ पे सेकंड में रख देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3 है, माइनस 3। तो यहाँ पे 6x की वैल्यू कितना निकाली हमने, 7 निकाली है, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, तो 7 6 जा कितना होता है 42 होता है, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से हमें वाई चाहिए तो हम वाई को निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, और ये प्लस 42 इस साइड आएगा तो माइनस 42। यहाँ से वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस 3 माइनस 42, अपन यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला वाई इक्वल टू 9। अब हमें जब यहाँ पे यक्स मिल गया और वाई मिल गया, यक्स इक्वल टू 7 वाई इक्वल टू 9, ये तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो फ्रैक्शन क्या था, यक्स बाई वाई का था। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 हो गया, और वाई की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यानी हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7/9 इज़ द आंसर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।